गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। हम क्या पढ़ रहे थे कल? फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे थे, गेम्स वी प्ले, है ना। तो कौन कौन से गेम्स हम खेलते हैं, हम ये पढ़ाई कर रहे थे। और हमने इसमें पढ़ा था, इंडोर गेम्स पढ़े थे, आउटडोर गेम्स पढ़े थे, और गेम्स खेलना क्यों ज़रूरी होते हैं। इंडोर गेम्स में कौन कौन से होते हैं वो पढ़े थे, आउटडोर गेम्स में कौन कौन से गेम्स होते हैं वो पढ़े थे, और गेम्स खेलना क्यों इंपॉर्टेंट है। इंडोर गेम हमारी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, और आउटडोर गेम्स क्या होते हैं, हमारी स्टेमिना बढ़ाते हैं, है ना, फिज़िकल स्टेमिना। और हमने इसके अलावा कुछ क्या कहते हैं, अच्छे अच्छे प्लेयर्स के बारे में भी पढ़ा था। तो क्रिकेट, गॉड ऑफ क्रिकेट किसे कहते हैं, मिस्टर सचिन तेंदुलकर को, है ना। इसी तरीके से एक मैरी कॉम है, और भी बहुत सारे हैं। चलो मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ। अभी आपने अपने फेवरेट क्रिकेटर का नाम, सॉरी फेवरेट प्लेयर का तो नाम लिखा था, इसके अलावा अभी आप एक काम करना, कल हमने इसके हार्ड वर्ड्स भी लिख लिए थे, है ना। हार्ड वर्ड्स के बाद अभी हम वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे, और वर्ड मीनिंग के बाद आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। उसमें आप ऐसे करो कि चलो वो मैं बताऊंगी अभी, रुक जाओ थोड़ी देर, मैं ही करवा दूंगी। अच्छा, अभी हमने हार्ड वर्ड्स लिख लिए थे, अभी हम वर्ड मीनिंग लिखते हैं आज, ठीक है ना। तो लिखना शुरू करो वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। फर्स्ट वर्ड हम लिखते हैं, फर्स्ट वर्ड हम लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन। CONCENTRATION कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है अटेंटिव बनना, या हमारे अटेंशन। तो ATENTION तो कॉन्सेंट्रेशन, हमें कॉन्सेंट्रेशन को हम कैसे कह सकते हैं कि कोई चीज़ हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाती है। हमने क्या कहा था, इंडोर गेम्स हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, मतलब इंडोर गेम्स हमें अटेंशन पे करना सिखाते हैं, हमें ये बताते हैं कि हम कितना ध्यान से कोई काम कर सकते हैं, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन मीन्स हम अटेंशन लिख सकते हैं, और इसको हिंदी में हम क्या कह सकते हैं, इसको हिंदी में बड़ा टफ होता है लेकिन फिर भी मैं लिख देती हूँ, एकाग्रता। इसको हिंदी में यही कहते हैं, एकाग्रता, मतलब एक ही चीज़ के ऊपर आपका फोकस हो जाना, एक ही चीज़ के ऊपर ध्यान होना आपका, ठीक है। आपका ध्यान इधर उधर नहीं होता है उसमें। अगर आप कोई गेम खेलते हो, चेस खेलते हो, और अच्छा वीडियो गेम्स भी तो खेलते हो, है ना, वीडियो गेम्स होते हैं कंप्यूटर पे, स्पेशली वीडियो गेम जब खेलते हैं तो बच्चों को देखो कितने ध्यान से अपना रिमोट चलाते रहेंगे, और आपका हाथ जरा भी इधर का उधर हुआ कि गेम ख़राब हो जाता है ना। तो वही, उसे कहते हैं एकाग्रता। एक मतलब केवल एक चीज़ पर आप फोकस कर सकते हो, तो एकाग्रता, अटेंशन और कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो हम इसको ऐसे याद कर लेंगे फटाफट। सेकेंड इज, ज़्यादा वर्ड्स नहीं है इस चैप्टर में, फिजिकल, PHYSICAL। फिजिकल क्या होता है, जो भी चीज़ हमारी बॉडी से जुड़ी होती है उसको हम कहते हैं फिजिकल। तो हम इसको और क्या बोल सकते हैं, BODILY, बॉडीली, BODILY, बॉडीली। बॉडीली को हिंदी में क्या कर कहते हैं, शरीर से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ होती है उसको कहते हैं, तो हम इसे कहेंगे शारीरिक। ये शायद हम पहले भी पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा हो तो अभी पढ़ लो। थर्ड, स्टेमिना, STAMINA, स्टेमिना। स्टेमिना हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी वायरस है और बैक्टीरिया है, कोई भी आपके ऊपर अगर अटैक करता है तो आप उसको हरा पाते हो कि नहीं हरा पाते हो, है ना। तो उसे हम अपनी बॉडी की रेजिस्टेंस कहते हैं या स्टेमिना कहते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक और वर्ड, RESISTANCE, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रति रोधकता,
प्रतिरोधकता, रोधकता मतलब होता है किसी को रोकना, ठीक है, तो उसी से ये वर्ड बना है, प्रतिरोधकता। फोर्थ फेवरेट, एफ ए वी ओ यू आर आई टी ई, फेवरेट। फेवरेट मतलब क्या होता है, जो आपको सबसे अच्छा लगता है ना, तो फेवरेट प्लेयर होता है, फेवरेट हीरो होता है, फेवरेट हीरोइन होती है, और आपकी सबसे फेवरेट तो आपकी मम्मा होती है ना, और आपका फेवरेट फ्रेंड भी होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो डियरेस्ट, डी ए आर ई एस टी, डियरेस्ट मतलब सबसे प्यारा। जो आपको सबसे अच्छा लगता है वो आपका फेवरेट कहलाता है, ठीक है। एंड द फिफ्थ इज, बस चार पांच ही तो वर्ड्स हैं, स्पोर्ट्समैन, एस पी ओ आर टी एस एम ए एन, स्पोर्ट्समैन। स्पोर्ट्समैन कौन होते हैं, प्लेयर, प्लेयर को आपको पता ही है, पी एल ए वाई ई आर, प्लेयर मीन्स क्या होता है, खिलाड़ी, जो गेम खेलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्लेयर्स या स्पोर्ट्समैन कहते हैं, ठीक है, नोट कर लो फटाफट। अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में कल ये एक्टिविटी तो अपन ने बुक में करी ली थी, पेज नंबर 25 की एक्टिविटी ख़त्म। अब क्या करना है, एक्सरसाइज में करेक्ट द आंसर, करेक्ट द राइट आंसर तो बुक में ही करने हैं, फिलअप्स भी बुक में करने हैं, और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सिर्फ कॉपी में करने हैं, सिंपल। तो फर्स्ट हम करते हैं एक्सरसाइज, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, C-I-S-E, exercise, ठीक है। फर्स्ट इज टेक द करेक्ट आंसर, ठीक। So the first question is, dash is an indoor game. So dash is an indoor game. अब इसमें क्या क्या दिया है, baseball, chess, cricket. Baseball क्या घर में खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं, बिल्कुल, और क्रिकेट तो बाहर गेम है, तो राइट आंसर क्या होगा, चेस। तो फर्स्ट इज बेसबॉल, सेकंड इज क्रिकेट, सॉरी चेस, सेकंड इज चेस एंड थर्ड इज क्रिकेट। तो सही आंसर कौन सा है, ये वाला। तो हम क्या यहां पर क्या लिख देंगे, चेस, चेस इज एन इंडोर गेम, फुल स्टॉप, ठीक है ना। सेकेंड, आउटडोर गेम्स मेक अस, आउटडोर गेम खेलने से हम कैसे बन जाते हैं, आउटडोर गेम्स मेक अस डैश डैश डैश, क्या बनाते हैं हमको आउटडोर गेम्स, देखें वीक बना देते हैं क्या, नो मैडम। तो फिर स्ट्रांग एंड फिट बना देते हैं, बिल्कुल यस मैडम। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एंड फिट, दिस इज द राइट आंसर। और थर्ड मैंने लिख दिया है स्लीपी, तो स्लीपी तो नहीं बनाते क्योंकि स्लीपी तो वो जब सोता रहता है,
तो अगर हम बाहर खेलने जाते हैं तो हम वीक भी नहीं होते, स्लीपी भी नहीं होते, हम क्या बन जाते हैं, स्ट्रांग एंड फिट बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ये है और यहाँ पर इसको लिख देना, स्ट्रांग एंड फिट। थर्ड क्या दिया हुआ है देखें, डैश इज प्लेड विद अ बैट एंड अ बॉल, ये तो सब बच्चे जानते होंगे, इसका आंसर तो बच्चों को सबसे पहले आता है। तो इज प्लेड विथ अ बैट एंड अ बॉल, बताओ फटाफट। तो सही बात है, दिस इज क्रिकेट, द फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। तो फिर यहाँ पे आप लिख दोगे CRICKET, क्रिकेट इज द गेम विच इज प्लेड विथ अ बैट एंड ए बॉल। और दो जो ऑप्शंस दिए हैं वो तो बेकार के ही दे रखे हैं, फुटबॉल दे रखा है और एक और दे रखा है बास्केटबॉल, तो इन दोनों में तो बॉल ही होती है सिर्फ, बैट की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो हम बैट और बॉल से क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, नोट कर लो फटाफट। सेकेंड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स, अब तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप लोग बड़े अच्छे से काम कर पा रहे हो, है ना। पहले तो लगता था पता नहीं बच्चे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट अब तो ठीक है, अब तो बच्चे कर रहे हैं आराम से। पहले कोई बोलता था कि बच्चे बोर्ड से नहीं उतार पाएंगे, क्यों नहीं उतार पाएंगे भाई, बच्चे क्लास में भी तो बोर्ड से उतारते हैं और बहुत मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में, अब तो लग भी नहीं रहा है कोरोना वरोना, अब जाए कोरोना बाढ़ चूल्हे में, हम तो बस फटाफट ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट ईयर से हम वापस क्लास में बैठ के पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फिलिप्स का, बी फिलिप्स, फिल इन दी ब्लैंक्स, या फिलिप्स भी लिख सकते हैं इसको, कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें क्या है, फर्स्ट इज गेम्स प्लेड इनसाइड द हाउस, गेम्स प्लेड इनसाइड द हाउस, क्या कहते हैं जिन गेम्स को हम घर में बैठ के खेलते हैं, इनसाइड द हाउस खेलते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इनसाइड द हाउस आर कॉल्ड इंडोर गेम्स या आउटडोर गेम्स, तो डैश डैश गेम्स, और इन्होंने दिया हुआ है आउटडोर और दूसरा दिया हुआ है इंडोर, तो बोलो फटाफट। तो सही आंसर इज इंडोर, सभी बच्चों को पता ही है। तो ये रहा आपका फर्स्ट आंसर, इंडोर गेम्स, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेइंग गेम्स मेक अस क्या हेल्दी या अनहेल्दी, तो बोलो। तो राइट आंसर इज हेल्दी, अनहेल्दी नहीं। तो द राइट आंसर इज हेल्दी, यहाँ लिख देंगे HEALTHY हेल्दी, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज टेबल टेनिस इज एन कौन सा गेम है, आउटडोर की इंडोर,
डैश 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 गेम, तो दिस इज एन इनडोर गेम, पता है आप सब बच्चों को अच्छे से। टेबल टेनिस इज एन इनडोर गेम, ठीक है। तो ये लिख लो, इसमें दिया हुआ है इनडोर और ये ही राइट है, आउटडोर गलत है। नोट करो फटाफट, इनडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स। दिख रहा है ठीक से? दिख रहा है। ठीक है, तो अब कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, एचओटीज करेंगे और अगर होगा तो एक्टिविटी करेंगे कुछ, ठीक है। तो अभी आपने इतना काम कर लो फटाफट पूरा आप अपनी कॉपीज़ में, और ये तो कर कॉपी में थोड़ी ना करना, ये तो बुक में ही करना है, सिंपल ही है। तो इसको फटाफट बुक में कंप्लीट कर लो और बस। तो ठीक है, आप पढ़ाई करिए, हम कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय।